out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. बहुत तेज और ये कोशिक काइट क्लब का पिच कट गया, इन खिलाड़ी का पिच कट गया, स्कोर हो गया 7-4 का। उन्होंने पिच काट दिया संगम काइट क्लब वालों ने। चलिए फिर नेक्स्ट पेज में मिलते हैं। पिच आ गया है जो नीचे ला रहे हैं, जफर भाई ला रहे हैं, मुजफ्फर भाई सॉरी, शानू भाई जरिए बोल रहे बैठे यहाँ पे और राज भाई ये रहे, और ये लाएंगे नीचे से पिच। और जो स्कोर चल रहा है 7-4 का, कोशी काट के अपने 7 काट रखे हैं और 4 कटे हुए इनके, तो खैर नहीं पहले बंदे जा रहे हैं, इससे लड़ाएंगे। मैं आपको पेज दिखाता हूँ, ये फ्रेंड पेज सही हो गया इनका, जो मेरा फटा है नीचे से। पिच काट दिया, जल्दी लग जाएगी, इसी को हद नहीं, पूरा मार बचा तो पूरा कर गया, हो गया तो तू तो मतलब गया था घर ही अपना। स्कोर जो हो गया है 8-4, तो फ्रेंड ये पिच आ गया है जो गोशी काइट क्लब वाले वो नीचे से हैं। ये देखिए यहाँ पर खिलाड़ी है रे मुजफ्फर भाई, और वो है ऊपर से वहाँ से संगम काइट क्लब के मेंबर, तो उनका पिच आ गया है। स्कोर है 8-4 का, जो गोशी काइट क्लब ने 8 काट रखे हैं, 4 कटे हुए। इनको एक पिच काटना खाली, इनको 5 पिच काटने हैं, मतलब 5 निकाली वापसी इन्होंने। ये शानू भाई जीत गए हैं, एक भी टॉस नहीं आ रहे भाई, एक भी टॉस नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, हम एक भी टॉस नहीं आ रहे हैं अभी तक।
जितने भी हमारे एक, मैच नहीं, एक टॉस में हारा था यूथ कैट क्लब से, लेकिन टॉस हारने के बाद भी उन्होंने मेरे को वही जगह नहीं वीडियो दी जाएगी जो बोलने सकता। 6 टॉस हुए मतलब चलो 5 में जीता हूं, एक में लॉस है। चलो जी अब देखते हैं गेम, गेम का मजा देखते हैं, मैच भी नहीं हो रहा, वीडियो का बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल। ओके राज भाई, ओके। और फ्रेंड्स ये टीम बैठी हुई यहां पर घोसी कैट क्लब जो कि फाइनल लड़ने जा रहे हैं आज। ये पतंग है ताज कैट क्लब से, समी मुरादाबाद, समी मुरादाबाद। ये इनका कुछ कार्ड कलेक्शन है शानू भाई का, देखिए पतंग दिखा रहे हैं ऊपर वाला बैग दिया ना। और ये सारे उनके मेंबर, ये राजा की पतंग है, ये पतंग लड़ा रहा हूं मैं। फाइनलिस्ट है हमारे शानू भाई, अपनी पतंगें दिखा रहे हैं और आज ये पतंगें, और यही पतंगें लड़ेंगे आज जितनी लड़ेंगे। ये गुड्डू भाई लखनऊ के, यासीन गुड्डू, यासीन गुड्डू लड़ा रहा हूं मैं, बस ये तीन पतंगें लड़ा रहा हूं मैं और ज्यादा कोई वैरायटी नहीं। शानू भाई जो मंजे लड़ा रहे हो, कौन सा मंजे लड़ा रहे दिखाना एक बार ये अपना, जिस मांझे से आपने पतंग काटी है अभी भाई ने, जफर भाई ने, क्या मुजफ्फर भाई, उस्ताद रफन की डोर है ये, देखिए फ्रेंड्स ये इस पतंग से उन्होंने पेच काटे है, जो इनका स्कोर है 8-9-4 का स्कोर। बरेली, ये रफन उस्ताद की डोर है, बरेली के उस्ताद है, बहुत चर्चित है, इनको किसी नोन की जरूरत नहीं है, नाम की जरूरत नहीं है। उनका बेटा है शुएब, ये उन्हीं की डोर है और ये चरखी यही खाली हुई है, ये पूरी भरी हुई थी, ये 6 राउंड्स के अंदर इतनी खाली हुई। प्राण को हमने यही लड़ाया आपने, मैंने यही लड़ाया है, मुजफ्फर ने भी ये लड़ाया है, अशरफ भाई ने दूसरी डोर लड़ाई है। ये देखिए भाई इनका फेवरेट चांदनी, इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा जी, अच्छा उन्होंने ये लड़ाई है, बहुत बेहतरीन डोर है। दो चरखियां मेरी जो खुली हुई है ये लड़ रही है, सब्स्टिट्यूट मैंने रखी हुई है, लेकिन ये चांदनियां यूज करने की जरूरत नहीं आई, बहुत बढ़िया, हमारे फेवरेट कारीगर ये, तो वीडियो में देखना मजा, बहुत जबरदस्त डोर लाते हैं। मैं ये दो चरखियां मैंने खुली हुई है, सब्स्टिट्यूट और भी है मेरे पास, लेकिन अभी तक उनकी जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने खोली। आपको पता ही है पतंग दिखी रही है जी, जी बिल्कुल, फाइनल हो जाए उसके बाद हमारे शानू भाई की छत पे जाके इनका बिल्कुल 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 वेलकम है आपका, आपका दोनों वाले भाई गेम लड़ाते हैं बिल्कुल बिल्कुल 365 दिन पतंग के। इस पतंग से पेच काटे हमारे जफर भाई, मुजफ्फर भाई ने पेच काटे हैं, ये देखिए इनका स्टिकर भी लगा हुआ है, सेमीफाइनल जी जी, इस पेज से पेच काटा इन्होंने, इस पतंग से पेच काटे हैं। कौन से कर रही थी पतंगें दिखाना, जफर भाई की, मैं तो भाई की पतंगें देखी, मुरादाबाद, मुरादाबाद की पतंगें। कितने पेज काटे आपने, मैंने दो पेज काटे इन्होंने जी जी, थैंक यू। देखिए फ्रेंड ये बैठी टीम ताज कैट क्लब के मेंबर, ये रे इनका जो राउंड लड़ेगा वो लड़ेगा घोसी कैट क्लब से, और ये पतंगों की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, जो उनका आज फाइनल लड़ने जा रहा है घोसी कैट क्लब से। इनका हाथ जो है राइट हैंड है और घोसी कैट क्लब का लेफ्ट हैंड है, और ये हयात भाई टिप पतंग पर टिप करते हैं, दादा की पतंग है। चलिए फिर मैं आपको कुछ पेज दिखाता हूँ उनके, मिलते हैं। और ये फ्रेंड पेच आ गया है, जो संगम कैट क्लब के मेंबर है वो नीचे से है और टाइगर इंडिया के ऊपर से लड़ाएंगे, और ये दो मुद्दे रखे यहाँ पर। और ये रहे मेंबर सनी भाई यहाँ से लड़ा रहे हैं, ये रहे नीचे से संगम कैट क्लब के मेंबर लड़ा रहे हैं, पेस सही हो गया। ये पेज करीबन 600-650 के आसपास लड़ रहा है, और ये कन्ना पकड़ते हुए जा रहे, और सनी भाई ने रखा और दोनों ने चक्कर छोड़ दिया यहाँ पर, अब देखो क्या होता है, दोनों के दोनों चक्कर पर है। ओ और यहाँ पे सनी भाई ने पेच काट दिया है, स्कोर जो हो गया है 1-0 का स्कोर हो गया है। मिलते नेक्स्ट टाइम, पेच आ गया है, जो नीचे से घोसी कैट क्लब के मेंबर है, ऊपर से हैं ताज कैट क्लब के मेंबर, और ये यहाँ पर और पेच काट दिया यहाँ पर, बहुत अच्छा ताज कैट क्लब ने इनका पेच कट गया है, स्कोर हो गया 1-0 का। मिलते नेक्स्ट वीडियो, ये फ्रेंड पेच आ गया है संगम बैट क्लब का टैग इंडिया से,
जो कि 1-0 का स्कोर है। टाइगर ने 1 पे छाड़ दिया। सही हो गया पेज चापर संगम वाले ऊपर से हैं और ये दोनों की पतंग बहुत ज़्यादा है, बड़े प्यारे चक्कर है दोनों पतंगों के। और ये सनी पाजी ने उठा के पढ़ लिया, चक्कर छोड़ दिए, ओ यहाँ पर घुमा लिया पतंग, गया चक्करों पे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, दोनों का पतंग बहुत मजबूत है, कोई भी कर सकता है। नीचे वाली की पतंग मुझे बबूले में लग रही है, ऊपर की पतंग हवा में पूरी पूरी बहुत चक्कर दे रहे हैं। और ये पेज काट दिया ऊपर वाले ने, क्योंकि नीचे वाली पतंग जी थी वो बोले में थी, इस बेस पे पेज काट दिया। तो फ्रेंड्स स्कोर हो गया 1-1 का दोनों। मिलते हैं नेक्स्ट पेज आ गया है कोशी कैट क्लब का, जो कि 1-0 का स्कोर है। और यहाँ पे पेज सही हो गया, जो नीचे ला रहे उड़ा रहे मुजफ्फर भाई है, बहुत तेज खेलती है यहाँ पर। ओ और इनका पेच कट गया, स्कोर जो हो गया 2-0 का, जो घोषी कैट करके 2 कट गए हैं और ताश क्लब ने का 0 हो गया। तो इनका पेच कट है इनका, जो कि तीसरा पेन नहीं आ रहा है। 0-3 का स्कोर है, 0-2 का स्कोर है, सॉरी। ताश कट भी 2 कट रखे हैं, कोशी ने 0 है भी। तो यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर दोनों ने पट कर लिया, पतंग नहीं निकलने देंगे, पतंग ऊपर करी। पेज दोबारा होगा, नहीं दोबारा नहीं होगा पेज, ये और पेज काट दे बहुत जबरदस्त पतंग दिखाई दे, पतंग उठ के आ गया मेरा। स्कोर हो गया 3-0 का, पेज आ गया, दोनों सही हो गया है। जो संगम कार्ड क्लब के मेंबर है नीचे से, ऊपर से टैग रेडी है। और ये दोनों पेड़ के बाद जाते हैं ऊपर, और ये थोड़ा ऊपर लेकर आए यहाँ पर। पेज काट दिया बहुत जबरदस्त, स्कोर जो हो गया 2-1 का स्कोर हो गया है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट पेज। और ये फ्रेंड पेज सही हो गया है संगम कैट क्लब का टाइगर इंडिया से, जो कि स्कोर चल रहा है 2-1 का। और ये जो संगम कैट क्लब वाले नीचे से हैं, टाइगर इंडिया वाले ऊपर से हैं। और ये पेड़ों के पीछे चलेगी पतंग, अरे वापसी बुड्ढा चढ़ा के उठा के लाए पतंग। ये आ गया शायद पेश, ये दिखाई दे रहा। और यहाँ पर बहुत तेज खींच रहे हैं, और ये यहाँ पर खींच दिया सीधा, और ये झटके मार देते तेज। ओ बहुत ही जबरदस्त पिच काट दिया है टाइगर इंडिया ने,
और स्कोर हो गया है 2-2 दोनों का। उधर से शाहरुख ने पिच काट दिया है, इनका पिच कट गया है। जो संगम काट कर वाले नीचे से है, टाइगर रैली वाले ऊपर से। ये पिच वाले खिलाड़ी बोल रहा है और वो लड़ा रहे शाहरुख भाई ऊपर से बीच। तो फ्रेंड मैं तुम्हें उनका पेज दिखाता हूँ। ये हमारे गैस भाई पूरी मेहनत करते हुए यहाँ पर नहीं बची नहीं लेकिन बड़े मेहनत के अंदर पूरी छड़े पर बने हुए यहाँ पर इससे। शायद दोबारा होगा और ये फ्रंट पिच आ गया है। और तैयारी हो गई है टाइमिंग के बाद दो बस करो दोनों का और ये अंदर थोड़ा घुसते और ताज कार क्लब से जो ताज वाले ऊपर हैं गोशी वाले नीचे हैं। वहां से वो भाई लड़ा रहे देखिए और यहाँ से लड़ा रहे हैं आज भाई तो लड़ता हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा चढ़ के रख दिया बहुत ज्यादा यहाँ पर और जहाँ की तलाश में ले गए थोड़ा सा बड्डा ऊपर करा और शायद ये पेच मुश्किल होगा क्योंकि वो पतंग बाहर निकाल के ले जाएंगे वही हुआ आखिरकार पतंग बाहर निकाल के ले गए और दोबारा पेच होगा और एक चढ़कर मुड्डे को रखवाया जा रहा है गोशी वर्सेस ताज कट क्लब और एक पटना जा रहा है यहाँ पर सही हो गया यहाँ पर और एक कंधे का और ये उड़ता हुआ खा लिया चोल और रोक दिए। हयात भाई का पिच कट गया यहाँ पर स्कोर हो गया 3-1 का। वो जा रही फ्रेंड देखे पता ही मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ और भी ये फ्रेंड पिच सही हो गया है संगम बैट क्लब का जो कि टाइगर डे से लड़ रहा है नीचे वाले संगम घाट क्लब से ऊपर से टाइगर डे है और पेस सही हो गया यहाँ पर ये ऊपर से लड़ा रहे शाहरुख भाई नीचे से लड़ा रहे मुरादाबाद के खिलाड़ी। करने पे गए
और ये पेड़ के ऊपर गया पास में, और यहाँ पेच कट गया संगम घाट तरफ का, और ये फ्रेंड पेच काट दें यहाँ पर, थोड़ा सा लेट कैमरा खुला, और स्कोर हो गया दोनों का 3-3, दोनों खिलाड़ियों ने 3-3 पेच काट दिए। ये खिलाड़ी संगम वर्सेस टाइगर इंडिया के 3 कट गए, इंडिया के 3 कट गए। मिलते फ्रेंड ने दूसरे वीडियो के अंदर, और ये फ्रेंड पेच आ गया है संगम काइट क्लब का, क्लब का संगम काइट क्लब का पेच आ गया फ्रेंड टाइगर इंडिया से, जो कि ऊपर से लड़ा रहा है शाहरुख और नीचे से भाई लड़ा रहे हैं ये खड़े। फ्रेंड पे सही हो गया है, जो संगम वाले नीचे से हैं, टैगरेंड वाले ऊपर से हैं। क्या हो रहा है, पे सही हो गया है ये लड़ रहा पेच, और ये यहाँ पर जो शाहरुख ने नीचे रखी बड़ी तेज, गद्दा बनाने की जगह ढूंढ रहा है शाहरुख यहाँ पर, और ये वापसी बाहर निकाला लेकिन नहीं निकलने नहीं दे रहे पेड़ बाहर। दोबारा पेच होगा ऐसा लग रहा है, हाँ फ्रेंड दोबारा ही पेच होगा, और ये फ्रेंड दोबारा पेच आ गया है, दोनों का स्कोर 3-3 है संगम वर्सेस टाइगर इंडिया। इन्होंने 3-3 पतंग काट रखे दोनों ने, पेश करीबन 800 गज पे लट रहा है, तैयारी ले ली यहां पर, सही हो गया। देखो फ्रेंड पे क्या होता है, और ये यहाँ पर खैचा बड़ी तेज, यहाँ पे बहुत तेज खैच दिया यहाँ पर सलांग, और ये काट दिया पेट बहुत जबरदस्त, सीरा दे दी हाथ पे, और बहुत जबरदस्त पेच, बहुत खूबसूरत पेच काटा है यहाँ पर, जो कि संगम काइट क्लब ने काटा है। स्कोर हो गया है 4-3 का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पेच मिलते हैं, गोशी वर्सेस ताज काइट क्लब, तो ऊपर से ला रहे शान भाई और नीचे से ला रहे आपके मुजफ्फर भाई लड़ा रहे हैं नीचे से, और पेज सही हो गया, पेज दोबारा हो गई, फिर दोबारा वही करने करने, देखो क्या होता है यहाँ पर। फाइनल पिच लड़ रहे हैं यहाँ पर, 3-1 का स्कोर है, जो कि 3 काट रखे हैं ताज काट क्लब ने और 1 काट रखा गोशी काट क्लब ने, दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पेच सही हो गया है, परेशान भाई थोड़ा और आए ऊपर से हैं आपके मुजफ्फर भाई, पे लड़ाते हैं दोनों खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं यहाँ पर, और दोनों ही बहुत जबरदस्त बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं यहाँ पर, उन्होंने बाहर निकाला क्योंकि दोनों को जगह नहीं दे रहा, वो थोड़ी जगह रखे तो वो बाहर निकाल ले, वो जगह दे तो वो बाहर निकाल ले। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो रहा है,
अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, और शायद झूठा मुड्ढा करके काटेंगे यहाँ पर, झूठा मुड्ढा करके। ओह मेरे ख्याल से खींच लेंगे बड़ा तेज यहाँ पर, और ये यहाँ पर नहीं खींचा, रोक लिया यहाँ पर। और ये पतंग दोबारा नीचे लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, पेज बहुत छोटा हो गया, करीबन 400 इसमें पेज लड़ रहा है। और ये टोड़ दे दी, पेज दोबारा हो गया फ्रेंड्स, फ्रेंड दोबारा पेज आ गया है। ऊपर से हैं मुजफ्फर भाई, नीचे से हैं शान भाई, जो कि ताज कट कर चला रहे हैं, ताज कट क्लब की तरफ से लड़ा रहे हैं, सॉरी ऊपर से लड़ा रहे हैं, गोशी कट क्लब, तो गोशी कट क्लब की तरफ से मुजफ्फर भाई। मैं थोड़ा कैमरे के अंदर नहीं आ रहा था ना, थोड़ा कम कर देता हूँ, अब शायद क्लियर आ रहा है पेश। ये और ये यहाँ पर, ओ वाह भाई वाह, बहुत बेहतरीन पिच काट दी यहाँ पर, स्कोर हो गया 3-2 का इसी के साथ। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट पिच में। यहाँ पर पिच आ गया 4-3 का स्कोर चल रहा है, जो कि संगम गाइड गल में 4 काट रखे हैं और टाइगर ने 3 काट रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर, जो जीता वो इसी के अंदर। और कन्ने कन्ने पर कन्ने 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 यहाँ पर कन्ने छीनने में लगे पड़े हैं। और ये वो चढ़ा के लिया है, नहीं नहीं फंसे यहाँ पर, फिर दोबारा इसको बना के लाया। और ये ओ देखो फ्रेंड क्या होता है यहाँ पर, और ये पेच काट दिया बड़ा ज़बरदस्त, और स्कोर हो गया 5-3 का, इन्होंने पिच काट दिया। और पीछे पब्लिक देखो कितनी खड़ी हुई है, ये देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए रईस भाई बैठे हैं, ये गैस भाई, पूरी पब्लिक ही पब्लिक बैठी यहाँ पर। सुलेमान भाई वो लड़ाएंगे नीचे का पेच, और देखिए पीछे कितनी पब्लिक खड़ी यहाँ पर, यहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई है। यहाँ पर है सुलेमान भाई जो कि पेच लड़ा रहे हैं, पतंग खींच के दिखा रहे हैं पहले अपनी, ये देखिए फ्रेंड्स बड़ा मुश्किल है, कठिन नहीं है ज़रा वीडियो बनाना, बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, ये बात हकीकत है। बड़ा पैरों में दर्द हो गया यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, जो मेरी वीडियो पे नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पेज दिखा रहा हूँ आपको इतने अच्छे अच्छे। तो ये टूर्नामेंट के पेज लड़ रहे हैं, स्कोर जो चल रहा है 3-2 का स्कोर चल रहा है। और ये फ्रेंड पिच आ गया, तैयारी ले ली, पिच सही हो गया यहाँ पर। और ऊपर से लड़ा रहे हैं मुजफ्फर भाई, नीचे से लड़ा है सुलेमान भाई, जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त नायाब खिलाड़ी हैं मुजफ्फर भाई, और सॉरी मुजफ्फर भाई अच्छे खिलाड़ी हैं, और आपका ये सुलेमान भाई, दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। पेज दोबारा होगा शायद, सीटी बच गई है, और तैयारी लगी हुई यहाँ पर, दोनों खिलाड़ियों ने तैयारी ले ली है। दोनों खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं यहाँ पर, सुलेमान भाई जो नीचे से हैं, मुजफ्फर भाई ऊपर से हैं, दोनों खिलाड़ी मेरे टॉप के हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। और ये यहाँ पर थोड़ा और चढ़ गया मुजफ्फर भाई के, सुलेमान भाई, और ये मुजफ्फर भाई चढ़ के ऊपर आ गए, जो ऊपर से लड़ा रहे हैं, और
नीचे वाले ने थोड़ा वो करने तरफ घटती ले गट में लेकर आए झोल से मेट्री पूरा हो रहे हैं अपना और वो झोल पकड़ रहे हैं उनका। मुझे लग रहा है इनका झोल काटने की तलाश में और ये शायद झोल देना अपना मुझे लग रहा है पेज दोबारा होगा शायद नहीं छोटा करके ले आए पेज उनका झोल काटने में लगे पड़े शायद उनका उल्टा हुआ झोल काटते हैं यहाँ पर क्योंकि नहीं वो भी कम करके लिए आया पता। और ये बहुत तेज़ खाते हैं यहाँ पर ओ माई गॉड पेट बराबर हो गया यहाँ पर उनका। और पेट बराबर हो गया इनका देखिए कितनी पब्लिक खड़ी यहाँ पर पीछे। फ्रेंड यहाँ पे 5-3 का स्कोर चल रहा है टाइगर ने को 3 काटने हैं वहाँ से संगम काट के लोग को 1 काटना है। और ये यहाँ पर दोनों खिलाड़ी कन्ने पकड़ के चल रहे एक दूसरे के यहाँ पर कन्ने पर रख रखा दोनों ने जिसका मौका लगा वही खैसे का। और यहाँ पर बड़े तेज खैस दिए यहाँ पर सलाम रोक दिया यहाँ पर और फ्रेंड बहुत अच्छी हो रहा ओए। और ये थर्ड राउंड में पहुँच गई है आपकी Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. काइट क्लब ने 3 काट रखे हैं गोशी काइट क्लब ने 2 काट रखे हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर पब्लिक देख रही है ये हयात भाई एक बार पतंग खींच के दिखाएंगे वो जगह बना रहे हैं। और ये प्लेयर जो हैं इन्होंने क्रीज चेंज की है क्योंकि बहुत दिमाग से पे लड़ा रहे हैं हमारे सुलेमान भाई पेच आ गया एरा तीन दो का उसका चल रखा है कोशी काट क्लब ने 2 काट रखे हैं ताज काट क्लब ने 2-3 काटे हुए। और ये बहुत ऊपर नीचे हो गए यहाँ पर और बहुत ज़्यादा चढ़ के ऊपर आ गए हैं नीचे ऊपर वाले गोशी काट क्लब वाले पतंग आएगी नहीं आएगी पता नहीं एक पतंग ये रही और एक पतंग ये रही दोनों ने बहुत फटाव कर लिया है और ऊपर लेकर आ गए दोनों पतंग। और ये यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाई है बहुत अच्छी जगह पकड़ के यहाँ पर वो भी चढ़ के ऊपर आ गए देखिए फ्रेंड्स चढ़ के ऊपर आ गए हैं ऊपर से मुजफ्फर भाई लड़ा रहे हैं नीचे से अपने सुलेमान भाई लड़ा रहे हैं दोनों ने बहुत फटा हो रहा है मोबाइल में पतंग नहीं आ रही पूरी प्रॉपर ये पतंग आ गई अब शायद पे दिखाई दे रहा है अब दोनों खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं यहाँ पर ये जगह बना के यहाँ पर। और ये ओ बड़ा बहुत बेहतरीन पेश काट दिया यहाँ पर ज़बरदस्त इन्होंने जगह बनाई तब जाके इन्होंने पेश काट दिया सुलेमान भाई ने पेश काट दिया स्कोर हो गया 4-3 का सॉरी 4-2 का स्कोर हो गया। और ये फ्रेंड पेश आ गया है जो कि सुलेमान भाई नीचे से लड़ाएंगे और शानू भाई पसे लड़ाएंगे और 2 मुंडे रखने को बोला यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स लड़ा रहे पिच निकाल लो
और ये फ्रेंड पेश लड़ना जा रहा है अब, बहुत टक्कर का फाइट है दोनों का, ऊपर से शानू भाई नीचे से सुलेमान भाई, और पेश सही हो गया है। ऐसी फ्रेंड यहाँ पर पेज और ये पतंग बचाई थोड़ी बहुत, दोनों का पतंग जानदार है, और ये यहाँ पर थोड़ा मुड्ढा सजाते हुए उनका कन्ने पे जाते हुए थोड़ा से वो शानू भाई, और ये पेच बहुत छोटा हो गया, करीबन 250 के आसपास पेच हो गया, क्योंकि हवा नहीं है, हवा के कारण पेच छोटा हो गया। आठ पेच लड़ने बहुत ज़रूरी है, और ये यहाँ पर जगह बनाते हुए खींचा, बहुत तेज खींचे यहाँ पर, और पेच काट दिया यहाँ पर सुलेमान भाई ने, यहाँ पर पेच काट दिया ये खिलाड़ी जिन्होंने पेच काटा है, और स्कोर हो गया 5-2 का। गोशी कैट क्लब के मेंबर कट गए हैं और सुलेमान भाई ने पेच काट दिया है। चलिए फ्रेंड मिले बनते रहिए ऐसे, मैं आपको दूध छठा पेज दिखाता हूँ। थोड़ा हवा से तोड़ा तो जब उस पतंग की ताकत खत्म हो गई तो भाई सुलेमान ने उसको भाड़ घसीट लिया, बहुत बढ़िया पेच काटा है, बहुत तेज खींच के, बहुत तेज खींचा, जो बात है बहुत बहुत अच्छा पेज लड़ाया भाई। ये हमारे सुलेमान भाई बहुत जबरदस्त पेज काट रहे हैं भाई, इनके पेज इतने खतरनाक हो गए हैं, सारे पेज टोटली मेरे को पसंद आया, जितने पेज काटे इन्होंने सुलेमान भाई ने, बहुत ही जबरदस्त ऊंधा पेज काटे हैं, भयानक पेज जबरदस्त। और ये रे और इसी के साथ स्कोर हो गया 5-2 का स्कोर हो गया।